किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्टी, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आए किड्स कैंप। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की रहने वाली जरीन खान सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे भारत में पहले स्थान पर आने पर उनके घर बधाई देने के लिए आम जनता से लेकर राजनीतिक पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। आज जरीन खान से मिलने के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे और किरीट सोमैया ने काफी देर तक जरीन खान से आगे और पढ़ाई के लिए बातचीत की और अपनी तरफ से मदद का भरोसा भी दिलाया। जरीन खान बेहद ही गरीब परिवार से हैं। उनके पिता यूसुफ खान मैकेनिक का काम करते हैं। जरीन ने बताया कि उनके परिवार उनका साथ दे रहा है और आगे भी पढ़ाई में उनका परिवार उनके साथ है। परिवार का साथ और लोगों का प्यार जरीन खान के हौसले को और मजबूत कर रहा है। जरीन की मां ने बताया कि बेटी जरीन खान की पढ़ाई में वो साथ देंगी और बीजेपी के किरीट सोमैया ने भी जरीन खान को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। जरीन खान, उनकी मां और जरीन खान की बहन ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जरीन खान को सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे भारत में पहले स्थान पर आने पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आगे की आपकी किस तरह की तैयारियां हैं और आगे आप क्या करेंगे? यार तो मैं फाइनेंस पे फोकस कर रही हूँ और फाइनेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहती हूँ। देखा जा रहा है कि मतलब आपने जो है सीए पास किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पास करने के बाद फिर वो पढ़ाई रोक देती है, नहीं आगे करती है। तो क्या आपके माँ बाप के तरफ से कुछ ऐसा है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है या पढ़ना है? नहीं नहीं, बिल्कुल उनका बिल्कुल परमिशन है आगे पढ़ने के लिए और वो भी चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं। तो ये भी देखा जा रहा है कि आप बेहद ही गरीब घर से हैं, तो किस तरह का आपको इसमें किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे मेहनत करनी पड़ी आपको? जी बिल्कुल, मेरे दोस्तों कौन कौन साथ दिया आपका? मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने और मेरी बहन ने, सब ने मेरा साथ दिया यहाँ तक पहुँचने में, उनके शुक्रगुजार हूँ मैं। क्या कह रही आप, आपकी बहन का साथ दिया आपने? जी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने यहाँ तक का सफर पूरा किया और आगे इंशाल्लाह सीए मुकम्मल कर लेगी और कामयाब हो जाएगी। कि अक्सर जो है लड़कियों को रोक दिया जाता है, आगे की पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। बहरहाल आपकी जरीन ने बताया है कि माँ बाप के तरफ से उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपको कि आगे आप उनको पढ़ाई में नहीं रोकेंगे, आगे बढ़ने देंगे उन्हें? इंशाल्लाह आगे वो पढ़ना चाहे और फिर तो हम लोग पढ़ने देंगे उसको। अबे हम लोग को ये मालूम नहीं था कि इतना वो पढ़ रही है, वो बोलती थी अम्मी हमको पढ़ने का है 2 साल और 3 साल और। आर्थिक आर्थिक की जो है मजबूरी भी है आपकी, तो फिर कैसे इसको पूरा कर पाएंगे, कैसे करेंगे? वो उसके दोस्तों ने, बहन ने, उसका उन लोगों ने सपोर्ट करे उसको तो वो पढ़ लिए। इसलिए खास तौर पर यहाँ पर आए हैं उनसे, और किस तरह का उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भी ऑल इंडिया में मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन जरीन मुझसे आगे जाने वाली है, इसका मुझे बहुत अभिमान है। और इस प्रकार के हमारे समाज की बेटियां ये आगे बढ़ रही है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो जो रिजल्ट आता है 2-5% आता है, उसमें जरीन इस प्रकार की बस्ती में छोटे से घर में भी इतनी होनहार पूरे देश में इंटरमीडिएट में पहली आई है, और मुझे विश्वास है इसी प्रकार से जीवन में वो हमेशा पहली रहेगी। सर आपके तरफ से क्या कुछ, इनकी तरफ से कुछ मदद वगैरह की गई है? मैंने जैसे कहा ना कि मैं सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जरीन बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ये ध्यान रखेगा।